हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके पाल्स ब्लॉग। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है जो कि शूज मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना केमिकल्स यूज होते हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों। मतलब कौन सा केमिकल किस चीज़ के लिए यूज़ में लाया जाता है, क्योंकि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे न्यू फैक्ट्री वालों के लिए या किसी नए जो शू मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि केमिकल कौन सा यूज होता है, किस चीज़ के लिए क्या केमिकल यूज होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये वीडियो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो है ना शूज मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इसके साथ हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे क्या है कि कटिंग में केमिकल कोई यूज़ नहीं है, फिटर में किसी केमिकल का यूज़ नहीं है, बॉटम में किसी, बस बॉटम में क्या है कि जो सॉफ्टनर होता है जैसे ना, अगर आप जैसे बसली का एडा डालेंगे उसमें तो कोई केमिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे गत्ते वाला होता है, अगर केमिकल का एडा डालेंगे तो आपको है ना सॉफ्टनर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद है ना केमिकल की स्टार्टिंग हो जाती है दोस्तों। जैसे पेस्टिंग में, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेस्टिंग में किस केमिकल का यूज़ होता है, जैसे धुलाई के लिए यूज़ होता है और भी कई केमिकल्स हैं। जैसे पेस्टिंग में सबसे पहले बताते हैं दोस्तों, जैसे पेस्टिंग में ना जैसे ये हो गया, इसे बोगना 620 कहा जाता है, इसमें 300 भी आता है, बोगना 300 भी आता है। इसका क्या काम होता है दोस्तों, जैसे है ना आप है ना उसकी धुलाई करेंगे जैसे जूते की, जैसे ये सोल चिपकाने के लिए, जैसे है ना ये नीचे के जैसे ना सोल चिपकाया जाता है, तो जैसे सोल की भी धुलाई होती है और अपर की भी धुलाई होती है, तो दोनों की धुलाई करने के बाद है ना जब है ना प्यू लगाकर पेस्टिंग की जाती है, जैसे कि हमने है ना अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। तो ये केमिकल जब से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसे बोगनर 620 कहा जाता है। बोगनर आप 300 भी लेके आ सकते हैं, वो इससे हल्का होता है। जैसे ना आप प्यू वगैरह के सोल चिपकाते हैं तो 620 ही दोस्तों उसमें काम आता है। और इसके बाद जैसे ना जो पेस्टिंग में ज़रूरत पड़ती है, जैसे ना एक चीज़ और होती है, जैसे देखिए बॉस्टिक दोस्तों, जैसे क्या होता है, हमने आपको है ना हमारी पिछली पहली जो वीडियो थी उसमें है ना हमने बताया था आपको टाइप ऑफ सोल, मतलब सोल के प्रकार। तो सोल हमने बताए थे आपको प्यूर सोल, टीपीआर सोल, एयरमैक्स सोल और पीवीसी सोल। तो हमने जब है ना टीपीआर सोल की बात की थी दोस्तों, टीपीआर सोल की धुलाई है ना केवल इस केमिकल से नहीं हो सकती, क्योंकि वो चिपकेगा ही नहीं। तो टीपीआर सोल की है ना धुलाई है ना ये बॉस्टिक का दाना होता है, जिसे है ना टीपीआर का दाना कहते हैं। तो इसके कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में है ना इसके केमिकल में, जैसे आप है ना एक है ना जैसे कटोरी में इस केमिकल को रेंगे और इसमें 4-5 दाने है ना उसमें डाल देंगे, उसको घोल के है ना टीपीआर सोल की ना धुलाई करने के बाद है ना टीपीआर सोल चिपकेगा दोस्तों। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है दोस्तों, या दाना भी कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हार्डनर पेस्टिंग में दोस्तों, जैसे ये R22 हार्डनर है। हार्डनर का दोस्तों मतलब नाम से ही पता चलता है, हार्डनर मतलब सुखाने वाला, तो हार्ड करने वाला। मतलब जैसे ना क्या होता है, जैसे ना आप है ना इसको क्या, इसका यूज होता है दोस्तों प्यू में, जैसे ना बरसात के दिन है या सीलन वाले दिन है या सील हो रही है पूरे रूम में, तो क्या होता है कि जब पेस्टिंग होती है तो प्यू के अंदर है ना इस हार्डनर को डाला जाता है। जैसे 5-6 बूंद डाल देते हैं एक कटोरी में और उसको है ना घोल के है ना उसको फिर यूज़ में लाया जाता है। उससे ये होता है दोस्तों कि जो प्यू है ना उसमें ना सीलन नहीं आती है, वो जल्दी सूख जाता है मतलब, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे तीन है ना पेस्टिंग के केमिकल, और फिर हम आते हैं अब फिनिश में, क्योंकि ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं दोस्तों वो फिनिश के अंदर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो फिनिश में क्या है कि जैसे है ना जो वो शूज़ है ना पेस्टिंग होने के बाद है ना जैसे ही है ना फिनिश के लिए ट्रांसफ़र होता है, तो सबसे पहले जो काम आता है केमिकल उसे है ना क्लीनर का नाम दिया जाता है। जैसे ये क्लीनर दोस्तों, इसे क्लीनर कहा जाता है। क्लीनर का काम ये होता है दोस्तों, जो जैसे क्या कह सकते हैं कि जैसे नंबर होते हैं, जैसे ना क्या नंबर डाल देते हैं, और नंबर के साथ साथ है ना जैसे डल्लफ दूध होता है, वो सब चीज़ की है ना क्लीन करने के लिए है ना इस चीज़ का प्रयोग लाया जाता है। तो ये होता है क्लीनर। इसके बाद जो प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों,
जैसे ये परिछाप, जैसे कच्चा कलर भी कहते हैं इसे लोकल में, परिछाप सोल पॉलिश भी कहते हैं इसे। जैसे क्या होता है इसका है ना, जैसे भाप बढ़ने के लिए, जैसे क्या होता है कि जैसे पेस्टिंग हो गई, पेस्टिंग होने के बाद है ना सोल के किनारी पे है ना थोड़ा सा है ना वाइटपन रहता है, जो कि मतलब इससे दूर किया जाता है। ब्लैक कलर में ब्लैक कलर से, ब्राउन में ब्राउन से, टैन में टैन से, मतलब हर कलर में ये अवेलेबल होता है शॉप पे, जो शूज मटेरियल की जो दुकानें होती हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग है ना उसको है ना सोल और अपर जो जूता होता है उसके जो किनारी होती है जो थोड़ी है ना मतलब वाइट वाइट सी हो जाती है वो प्यू के कारण, उसको ब्लैक में ब्लैक करने के लिए, ब्राउन में ब्राउन करने के लिए यूज में लाया जाता है। और फिर दोस्तों जो जैसे आपने क्या है कि क्लीनर से साफ कर लिया फिनिशिंग में और फिर दाब भर दी, उसे थोड़ा सा सुखाने के बाद है ना, फिर जो जैसे ना अगर आप है ना ब्लास्टर का यूज़ कर रहे हैं या अदर फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑयली फॉर्म ही है, उसके लिए ना ये एस बेहतर केमिकल का प्रयोग किया जाता है, या आप है ना क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्रीम है, जब क्रीम क्या होती है वो क्रीम नहीं होती जो लगाने के लिए यूज़ में लाई जाती है, ये शूज के ना स्पेशल क्रीम होती है जिससे क्या है सिल्कीपन आता है जोड़ी के अंदर, जैसे ना एक है ना मतलब चिपचिपासा महसूस नहीं होता। जैसे आप है ना स्प्रे करेंगे या आप जैसे ना कई बार क्या हो ग्लोव भी डालते हैं तो उससे क्या है कि हाथ है ना चिपकता है, तो यह क्रीम से है ना यह फिनिशिंग की जाती है तो हाथ है ना मतलब ये स्मूथली है ना मतलब सिल्कीपन सा महसूस होता है, मतलब सॉफ्टपन सा महसूस होता है, अलग सी फीलिंग आती है जो क्रीम है दोस्तों। और इसके बाद जैसे ना आप है ना जैसे ये भी बताया हमने, आप इसको है ना सिंथेटिक में कर सकते हैं, लेदर पे नहीं होगा दोस्तों। और ये चीज़ है जो क्रीम है इसको आप सिंथेटिक में भी कर सकते हैं, लेदर में भी कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डबल कोट होता है, जब एक बार फेरने के बाद सूखने के बाद है ना फिर दोबारा फेरी जाती है जब शाइनिंग आती है। फिर बात आती है दोस्तों स्प्रे, जैसे आप है ना ये दोनों नहीं करना चाहते तो आप स्प्रे से काम नहीं चलाएंगे। जैसे ये आती है यूनिफिन की स्प्रे, ये सबसे बेस्ट स्प्रे मानी जाती है जैसे मेरे हिसाब से। तो अगर आप है ना लेदर में सॉफ्टी पर स्प्रे कर रहे हैं तो जबरदस्त स्प्रे है दोस्तों। इसमें क्या है कि इसके ना जैसे ये तो है शाइन, इसमें एक मैट आती है, एक है ना जैसे ना मतलब 25% और 75% है ना आपस में मिलाकर, जैसे 25% तो मैट हो गई और 75% शाइनिंग हो गई, उसको मिलाकर आप है ना इसकी स्प्रे करेंगे तो एक शानदार लुक निकल कर सॉफ्टी में निकल के आता है लेदर में, और सिंथेटिक में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है दोस्तों। दोस्तों फिर है ना जैसा क्या है कि हम आपको है ना इनकी प्राइस भी बता देते हैं, जैसे आप है ना जैसे ये लेंगे तो ये 230 रुपये का है एक लीटर, दाना 50 रुपये की सीसी इतनी सी, हार्डनर आप साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं दोस्तों, साइज अलग अलग साइज आता है, छोटा साइज आता है उससे बड़ा साइज आता है उससे बड़ा साइज आता है, 250 रुपये नहीं सॉरी पहले 250 था लेकिन अब 270 रुपये लीटर हो गया ये यूनिफिन का। क्रीम 380 रुपये की ये आधा किलो, एस बेहतर 420 रुपये लीटर, तिवारी क्लीनर 170 रुपये लीटर। और दोस्तों ये है जैसे 250 ग्राम की सीसी है 70 रुपये की। दोस्तों ये हमने है ना आपको है ना पूरी डिटेल में है ना पूरे जो शूज में है ना जो है ना केमिकल यूज होते हैं वो हमने आपको है ना शुरू से लेकर स्टार्टिंग एंड तक सारे केमिकल के बारे में बता दिया हमें, क्योंकि यही केमिकल हैं जो है ना यूज में लाए जाते हैं। जैसे है ना और भी अदर केमिकल्स होते हैं, जैसे है ना ईवा सोल, एक ईवा सोल होता है दोस्तों उसके लिए धुलाई के लिए है ना ईवा प्राइमर होता है उसका यूज में लाया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता इसलिए मैंने आपको है ना केवल बता ही सकता हूँ, दिखा नहीं सकता ईवा। जैसे ना हाँ बॉक्स वो दिखा देता हूँ जो पुराना पड़ा है, जैसे देखिए ये दोस्तों जैसे ईवा प्राइमर ये उसी का है, जैसे एक लीटर है ये, जैसे इसका प्रोडक्ट M938 ये पुराना बॉक्स डिब्बा था जो मतलब ईवा का था बॉस्टिक। दोस्तों ये क्या है प्राइमर होता है जो ईवा सोल के लिए होता है, जैसे ना आपने ना स्पोर्ट्स में लगे हुए सोल देखे होंगे एकदम है ना जैसे वो फोम जैसे होते हैं सोल, तो वो ईवा होते हैं दोस्तों, उसके लिए इस प्राइमर का यूज में लाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने है ना आपको है ना लगभग सभी केमिकल के बारे में बता दिया जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक,
दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।